जी, अब तो अभिनी जी को भी होश आ गया। तो फिर आपने ये बीमारों वाली शक्ल क्यों बना रखी है? ऐसे जाओगे उनके सामने? पेटू वाले चूहे जी भांगड़ा कर रहे हैं क्या? अपना जल्दी से कुछ खा लो, और अगर मन में कोई सियापे चल रहे हैं ना, तो उन्हें वट्टी वाली लात मार के भगा दो। अंदर क्यों चले गए? अकेले अकेले रियाज करना है क्या? जब से तू आई है, सोना जागना हंसना रोना सब तेरे नाल किया है। अब कुछ भी तेरे बिना कैसे करूंगा कुल्फी? मैं तेरा सामना कैसे करूंगा? कैसे बताऊंगा कि मैं तुझे खुद से अलग कर रहा हूँ? आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया बाबा, और मैं अपनी परेशानी एकदम ही दबा के रखूंगी। तुझसे मैंने अपना शेर कहने हो ना, शेर रोते नहीं है, मैं भी नहीं रोऊंगी। कुछ दिन पहले भी आपने यही कर लिया था, कमरा बंद कर दिया था, मेरे इतना बुलाया, चिट्ठियां भेजी, गाना भी गाया, तब जाके बाहर आए। बारी बारी ऐसा थोड़ी ना करते, गाना सुनना तो ऐसे बोल दो, मैं गा दूंगी। ओए सरदार गुल्फा सिंह, इतना बोलता है तू, पेटू दुख नहीं जानता? आपसे बात करके तो मेरा मन हल्का हो जाता है। और मैंने गलत दस तू कल रात को किले को चली गई थी बाहर, तेनू पता तू बेहोश हो गई थी, और दो बंदे तेको लेके आए, तब भी मैं रहे उन पे, कि उन्होंने तेनू तेनू कुछ हो जाता तो सैनी दादी बनती है ना अपने आपको? तू सैनी दादी है? सैनी दादी ऐसे रोड पे जाके खड़े हो जाती है, क्या गाड़िया आ रही जा रही है, चोट लग जाती तो? मेरी इतनी फिकर करते हो तुम, मेनू क्यों दूर भेज रहे हो? आपको पता चल गया कि आप मेरे पापा हो तो ऐसा नहीं करोगे, पर मैं तो आपको कुछ भी नहीं बता सकती। दोबारा ऐसी गंदी हरकत करेगी, कभी नहीं करेगी ना। उसने कहा देखी, सॉरी जी, आगे से नहीं करूंगी। रोज़ बेली जिस घर के अंगना बिटिया ना खेली। Johnny, quiet, quiet, shh, quiet, Johnny. Johnny, वो क्यों है? चार दिन घर से दूर रही, मुझे भूल गया? अब मैं और अमायरा तुम्हें खाना खिलाया करेंगे, ओके? तब तुम्हें याद आएगा कौन अपना है कौन पराया। Johnny, shh. जॉनी अंदर जा पुत्र। आप लोग ऐसे क्यों घूर रहे जैसे कोई भूत देख लिया? It's me, remember? हमारे बारे में नहीं बताया? नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लो, मैं बताती हूँ। सिकंदर और मैंने साथ रहने का फैसला कर लिया है। हाँ, आपकी छोटी बहू लवली सिकंदर सिंह गिल इस घर में वापस आ रही है।
और मायरा के लिए उसके वास्ते हम दोनों साथ रहने का फैसला किया हम दोनों ने। कुल्फी को मैंने सिकंदर मुझे हेल्प कर दोगे जरा से प्लीज इन बैग्स के साथ बहुत भारी है मैं और मायरा ने पता है मुझे यहाँ क्यों आने दिया ताकि सबसे पहले आकर तुम्हारी उससे बात करो और ना कभी नहीं आने देती लाओ अपना फोन लाओ उससे बात कर लो ना मेरी जान खा जाएगी लाओ अंदर है ठीक है चलो अंदर चलो उससे बात कर लेंगे थैंक यू आप लोगों ने देखा पीजी हम सबको कुल्फी के बारे में कुछ बताने ही वाले थे कि लवली उन्हें खींच के कमरे में ले गई मैंने तो यही नहीं पता कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है कुल्फी इस घर से दूर जाएगी तो उनको पता चली जाएगा सबको तुमने भी रोका क्यों क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि तुम कुल्फी को बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हो तो वो तुम्हें बता देंगे कि कुल्फी तुम्हारी अपनी बेटी है शेक इट ऑफ सिकंदर तुम अपनी फैमिली को जानते नहीं हो क्या कुछ भी पता चला तो बड़ा इशू बना देंगे उस बात का और मैं नहीं चाहती कि इस घर में एक और तमाशा हो सो प्लीज चुपचाप कुल्फी को भेज दो बाद में हम हैंडल कर लेंगे जो भी होगा लवली अचानक घर में आ गई ना तो उसे देखकर सबको झटका लगा है हाँ बेबी लेकिन वीर जी कुल्फी के बारे में कोई बात होगी तो सिक्का हमें बताएगा इस वक्त जरूरी यह है कि अम्मो के लिए हम सबको एक छत के नीचे मिलकर रहना पड़ेगा हाँ बेबी हमें दोनों बच्चियों का ख्याल रखना है और कुंजन तू चिंता मत कर हम कुल्फी को कुछ नहीं होने देंगे ये मेरा ख्याल रखना चाहते हैं मैं तो जा रही हूँ इनको भी कितना बुरा लगेगा मैंने इन्हें समझाना होगा कि मेरे जाने के बाद ये लोग ज्यादा दुखी ना हो कब तक टालोगे सिकंदर भूल गए मेरा अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है बिल्कुल बिल्कुल भेज रहा हूँ ना कुल्फी को बोर्डिंग स्कूल मायरा कैसे उससे मिल के आता हूँ नहीं 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 तुम नहीं मिल सकते हैं मायरा से सिकंदर जब तक तुम उस बोर्डिंग स्कूल का फॉर्म भर कर भेज नहीं देते मायरा से नहीं मिलोगे लवली सिकंदर तुम ऑलरेडी मायरा को खोने वाले थे अगर उसे पाना चाहते हो ना कुछ करके दिखाओ पहले कुल्फी को यहाँ से भेजो तब जाके मायरा से मिल सकते हो